तो दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस टाइप के वीडियो जो है टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज के वीडियो में इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इसके बाद चलते मोबाइल को होम स्क्रीन पर सेटअप बाई सेटअप बताऊँगा कि वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे और एडिट नहीं कर पा सकते। तो वीडियो के करते हैं स्टार्ट। और डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। तो अब वीडियो के आगे तरफ लेकर आना है। आप देख सकते हैं वीडियो जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, आपको वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। और वीडियो में कोई बीच का पार्ट जो है आपको एक्स्ट्रा है, 39 सेकेंड से लेकर 41 सेकेंड के बीच में जो हमारा पार्ट एक्स्ट्रा था आपको करना क्या सिंपल, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा है वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है और वीडियो के आगे की तरफ लेकर आना है। फिर से हमें वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो देख सकते हैं वीडियो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और दोस्तों इस वाले पार्ट को आपको डिलीट करना है, तो सिंपल आपको वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको डिलीट कर देना है। इस तरह से आप वीडियो में बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो भी आप रिमूव कर सकते थे। इस तरह से वीडियो में आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैं एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर चुका हूँ। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और प्ले कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम तो यहाँ पे मैं थोड़ी से चल कर आता हूँ, इसके बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हाथ मार रहा हूँ। यहाँ पे आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हाथ मार रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम टर्न हो रहे हैं। और इसके बाद जैसे हम गन शूट कर रहे हैं तरह से आपको भी वीडियो शूट करना है। इसके बाद इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पर हमारा आकाश और धरती दोनों चलने लगता है, तो इस तरह से वीडियो को आपको शूट करना है। शूट करने के बाद पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है स्काई, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर आपको मिल जाएगा स्काई का। तो वहाँ से आपको 4-5 कलर आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ तो सिंपल हम वीडियो के आगे तरफ लेकर आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे हाथ मार रहे हैं और यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। तो आपको सिंपल लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद डाउनलोड पर आना है। जो हमने स्काई कलर का इमेज डाउनलोड किया था यहाँ पर शो यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको करना क्या सिंपल, कोई भी आप स्काई कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको यहाँ से आपको जूम कर लेना है। और सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद इसे आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के यहाँ पे ओपेसिटी के आप अपने हिसाब से कम बेस भी कर सकते थे। यहाँ पे मैं आपको 100 ही रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मार रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से आना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को हमें करना कैसे है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको साइड राइट कर देना है। और यहाँ पे आपको 0.5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको प्ले कर दिखा देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से आपको मैं राइट से लेफ्ट करता हूँ। तो आपको सिंपल से करना क्या है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है,
कैंची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो इससे पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सेकेंड इमेज लेना है। सिंपल इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, से जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जूम करना है और इस तरह से ऊपर से आपको एडजस्ट करना है, नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पे आना है और इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओपेसिटी के कम बेस कर सकते हैं। इसके बाद डन कर देता हूँ। इसके बाद फिर से हमें इस वाली इमेज पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको साइड लेफ्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0.5 कर देता हूँ मैं। तो जैसे हम यहाँ पे टर्न लेते हैं, टर्न लेने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही गन शूट करता हूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। तो सिंपल हमें करना क्या, सबसे पहले इस पार्ट को, हमें एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। तो इस इमेज वाले पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, मीडिया पे आने के बाद सेकेंड जो थर्ड इमेज है वो हमें लेकर आना है, जूम कर लेना है। इस पर ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और इसे हमें सबसे पहले फुल साइज कर देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या, इस पर क्लिक कर लेना है, इस पार्ट को हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें इस वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आएंगे, साइड डाउन कर देंगे और यहाँ पे 0.5 सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हैं हम, जैसे हम गन शूट करते हैं नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा इतना काम हो चुका है और इसके बाद आपको क्या करना है, गन शूट करने के बाद जैसे नीचे आते तब अपने वीडियो में देखे वो इमेज जो है, जैसे हम राइट साइड करते हैं तो राइट साइड इमेज आता है, लेफ्ट साइड करते हैं तो लेफ्ट साइड इमेज चला जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर 10 जो है 10 सेकेंड के आसपास हो चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको कैप्चर एंड सेव फ्रेम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक कैप्चर जो है आपका गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे फिर हमें 11.5 पे रखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको इमेज यहीं पे आपको सेट करना होगा, इसलिए 11.5 पे आ गया। फिर से क्लिक करना है, फिर से हमें सेव एस कर देना है। तो यहाँ पे दो इमेज को मैंने गैलरी में सेव कर चुका हूँ। तो इसके बाद इसे हम करते हैं बैक, पिक आर्ट्स एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज मैंने कैप्चर किया था वो इमेज आपको यहाँ पर शो कर चुका है। इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको ड्रॉ पे आना है, फिर से ड्रॉ पे आना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। फिर से इसे बैक करना है, फिर से सेकेंड वाली इमेज को हमें सेलेक्ट करना है, फिर से ड्रॉ पे आना है, फिर से ड्रॉ पे आना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेव इमेज पे क्लिक करना है। तो जो इमेज हमें ने वहाँ पे कैप्चर किया था आपको गैलरी में सेव हो चुका है। ये इमेज मैंने इस यहाँ से सेव किया हूँ क्योंकि ये जो है, और इसके बाद आपको गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है remove.wg, क्योंकि माइनमास्टर एप्लीकेशन से कैप्चर करते हो पिक जो है, ये जो है पिक्चर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमें उस पिक्चर को पिकआर्ट से सेव करना पड़ा है। इसके बाद सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो जो हमने पिक जो कैप्चर काइन मास्टर एप्लीकेशन से कैप्चर किया था वो शो पर नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो मैंने पिकआर्ट से सेव कर दिया हो तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसलिए आपको पिकआर्ट से भी सेव करना पड़ेगा। इसके बाद इसे ओपन करना है, तो यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और ये इमेज हमारा PNG में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको भी PNG में कन्वर्ट कर लेना है या फिर डायरेक्ट आप पिकआर्ट से भी करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप पिकआर्ट से भी कर सकते हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है,
आपको यहाँ पे से डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ इमेज जो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है। यहाँ पे जो है फोटो जो हमारा राइट से लेफ्ट जाएगा, तो सिंपल आपको लेयर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने 10 सेकेंड पे कैप्चर किया था, तो आपको 10 सेकेंड पे आपको लेयर को लेकर आना है। फिर तो इसके बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने को जो हमने PNG पे कन्वर्ट किया था वो फोटो को सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे छोटा बड़ा कर कर सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल से इस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे मैंने कर तो यहाँ पे मैं सही तरह से एडजस्ट कर चुका फ़ोटो को, ठीक है। इसके बाद आपको इन एनिमेशन में आना है और आपको साइड लेफ्ट कर देना है। तो जैसे हमारा इमेज आएगा तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें 11 सेकेंड के आसपास आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद सेकेंड इमेज जो हमने PNG में कन्वर्ट किया थे वो इमेज कर सेलेक्ट करना है, और इसको आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। और आपको करना क्या, इमेज पर प्रेस कर रखना और यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इन एनिमेशन में आना है और आपको साइड राइट कर देना है। तो आपका इमेज इस तरह से आपको सेट हो जाएगा। तो मैं आपको प्ले कर कर दिखाता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं इमेज एक लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। क्या आउट एनिमेशन देना है, शीशे में इमेज पे क्लिक करना है, आउट एनिमेशन पे आना है और राइट साइड राइट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेकेंड वाली इमेज पे आना है, आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको साइड लेफ्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ इमेज हमारा कुछ किस तरह से शो कर रहा है। सिर्फ तो इस तरह से हमारा इमेज सेट हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आपको देख रहे धरती चलने का आपको दिखाना है। सिंपल से यहाँ पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है और डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये इमेज जो है आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने फ़ोटो को कैप्चर किया था वो फ़ोटो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्रॉप पे आना है, इसे आपको इनेबल कर देना है और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसे फ़ोटो को आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने से आपको ध्यान रखना है जूता के नीचे के पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद इसे हमें जूम कर लेना है इस तरह से। जूम करने के बाद सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको की का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करना है और इसे लास्ट तक लेकर आना है और इसे आपको प्रेस कर कर रखना है और इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो आप एक बार दिखाता हूँ प्ले करके, ये भी आपको इमेज आपको देखने को मिल, देख सकते हैं यहाँ पे धरती हमारा चलने लगा है। इसके बाद हमें क्या कहा है, बादल आपको चलाना है ऊपर वाले। सिंपल आपको करना क्या है, बादल वाले लेयर पे क्लिक करना है, की पे आना है और इसे आपको आगे तक लेकर आना है और इसे आपको इस तरह से जैसे जैसे आप आगे करेंगे वैसे इस तरह से आपको आगे लेकर जाना है लास्ट तक, और इसको एडजस्ट कर देना है। आप वीडियो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, धरती और बादल दोनों चलेगा। आपको वीडियो तैयार हो गया, साउंड ऐड करना है। सिंपल इसे लास्ट तक लेकर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल से वीडियो का सेलेक्ट करता हूँ, कैंची के निशान पर क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देता हूँ। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आपको नीचे आ जाएगा। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे हमें डिलीट कर देना है, क्योंकि वीडियो का हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पर वीडियो हमारा लगभग तैयार हो गया हुआ है और साउंड भी ऐड हो चुका है। एक्स्ट्रा साउंड को सबसे पहले हमें ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है, डन करना है। वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और वीडियो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।